तो गाइस हम क्रॉस आ चुके हैं, तो हमारी बिल्डिंग आई है, तो हमारे क्षेत्र से देखना कैसा होता है। मेरी टीम खड़ी हुई है, आप देख सकते हो। अगर मैं जीत जाए तो भाई मैं कुछ खाऊंगा नहीं, वीडियो में कहता हूँ, इसलिए वीडियो में थोड़ा शांत रहूंगा। देखते हैं जीत जाते हैं। हमारा मैच है जो बालघाट टीम से मैच है, जो की अच्छी टीम है, टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में काफी अच्छी टीम है बालघाट, अब उस टीम से मैच है हमारा। तो आप वीडियो में देखना, कंटिन्यू रहना, वीडियो में मजा आने वाला है। तो गाइस मैच होने में कुछ ही समय बचा है, अभी एक टूर्नामेंट चल रहा है, आप देख सकते हैं पीछे हमारे ऋषि से मिली है, जो मेरे टीम के खिलाड़ी है। ऋषि कह रहे हैं अगर इस मैच को हार गए तो संन्यास ले लेगा ऋषि। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी मैच होगा, आखिरी मैच, आखिरी मैच। तो देख लो, ग्राउंड में नहीं दिखूंगा, क्रिकेट के लिए ऐसे आऊंगा देखने के लिए। मैच जीतेंगे तो वीडियो कंटिन्यू रहना। अगर हमारी टीम मैच हार जाती है तो ऋषि हमेशा अगली क्रिकेट छोड़ देगा, और अगर अगले मैच अगला टूर्नामेंट होगा अगले साल उसमें हार गई तो मैं संन्यास ले लूंगा। ये चीज आप आपका शायद आखिरी टूर्नामेंट है, मतलब ऐसे जीतने की कोशिश करेंगे पूरी। तो आप देखना, पूरी युवा टीम है, जो हमारी टीम है जो पूरी युवा है, हमने सभी को मौका देता हूँ मैं, जो इसलिए वीडियो देखना काफी ज्यादा मजेदार होने वाले। वीडियो पहले भी देख चुका हूँ, कंटिन्यू रहना। दो रन बिना कोई विकेट को बालघाट, हमारे गेंद फील्डर पीछे लपक रहा है, इरफान ने बनाई पहली सफलता यहां पर नांगल को। दो रन के स्कोर पर पहला झटका बालघाट को लगा यहां पर इरफान। एक बार फिर पहला विकेट जीतू के लिए, उठा के मारा है गेंद, हमारे फील्डर नीचे और एक दूसरा झटका इरफान ने मिलाई दूसरी सफलता यहां पर है। एक चांस यहां पर इरफान के लिए, जबरदस्त गेंदबाजी इरफान की, अंसार अली के सुपुत्र इरफान। शानदार गेंदबाजी इरफान के द्वारा यहां पर पहले ही ओवर में। हैट्रिक पर कमेटी की ओर से 151 और अंसार अली की ओर से 101 रुपए का नगद पुरस्कार। आजा भाई, मैदान को खाली करो बबूले। सुकेश नए बॉलर, सुकेश अच्छी गेंद, पहली गेंद यहां पर सुकेश की। बढ़िया गेंद यहां पर, एक रन और इसे गेंद के साथ में स्कोर पहुंचा बालघाट का 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा पेश हुआ आज इरफान के द्वारा। पहले ही ओवर में शानदार हैट्रिक बनाई इरफान ने बालघाट के खिलाफ, अच्छी फील्डिंग की आज, तीनों कैच शानदार तरीके से लपके गए नागल के द्वारा। तो नागल की अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग का नजारा देखने को मिल रहा है। एक रन और इस रन के साथ स्कोर है 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सुकेश एक बार फिर राउंड ऑफ विकेट, हमारे रन आउट, चौथा झटका। वो चौथा झटका 4 रन के स्कोर। इरफान एक बार फिर बढ़िया गए यहां पर, ओवर की समाप्ति 3 ओवर 19 रन 4 विकेट।
गेंदबाज है बिल्कुल खराब गेंद की शुरुआत यहाँ पर लेकिन बैट का अंदरूनी किनारा लगाकर गेंद सेकंड स्लिप में चली गई। अब सामना करेंगे ऋषि के लिए और उसे पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकाल दिया। गेंद जा रही है, देखते चिन्नू उसके पीछे रोक पाते नहीं और चिन्नू ने डाई लगाकर गेंद को तो रोक लिया, लेकिन कम से कम बल्लेबाज ने दौड़कर अपने दो रन पूरे किए और इन दो के साथ टीम का खाता भी खुला दो रन से 31 रन हो चुके हैं। अभी भी 12 रन और चाहिए नांगल को मैच जीतने के लिए और उनके पास में कैट मौजूद है और 11 रन चाहिए सॉरी 12 रन। और काफी अच्छा रोमांच है मैच नांगल नांगल की पांच टीम खेली पांचवी टीम है, चार टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और लेग ग्राउंड कर दिया है। गेंद जा रही सीमा रेखा के सॉरी फील्डर भाग तैनात है, एक रन दौड़कर पूरा किया और एक के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। और देखते ही और ओवर की समाप्ति हुई बताया कितने रन नागल की ओर से मैन ऑफ द मैच और हैट्रिक मैन इरफान कमेंट्री बॉक्स में। हाँ जी क्या रणनीति थी इस मैच के लिए, क्या सोच कर आए थे मैच जीतना हारना क्या रणनीति बनाकर आए थे? हमारी एक जो खिलाड़ी थे हेमू मेन खिलाड़ी थे हमारे वो इस मैच में नहीं आ पाए और हमारे जो इरफान है उसने हैट्रिक ली, आपने देखा कितना अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे जो खिलाड़ी है उसमें कुछ कमी है हमें पता है तो हम फाइनल की तैयारी करेंगे। बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक आपको, फर्स्ट राउंड में आप जीत चुके हैं सेकंड राउंड में पहुंच चुके हैं आगे के मैचों के लिए। हमारे तो मैच इरफान और उससे पहले ₹151 कमेटी की ओर से हैट्रिक को और ₹100 तुम्हारे मामा जी की ओर से और मेरा का मैच तो गाइस फाइनली हम फर्स्ट राउंड जीत चुके हैं। हमारे जो खिलाड़ी थे इरफान वो शायद घर जा चुके हैं क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और उसने हैट्रिक ली, आपने पूरा मैच देखा होगा लाइव चल रहा था और जो ने दो चौके मार के कितने बनाए थे 11 रन। फाइनल की तैयारी में माइक पे बोल चुका हूँ और बताना आप पहली बार फर्स्ट राउंड जीते तो थोड़ी बहुत खुशी है और फाइनल भी जीतेंगे तो वीडियो रहना और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं सेकंड राउंड में नागल वर्सेस